नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास इलेवेंथ चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.3, और जो हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन की दो वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें इंट्रो को बताया गया है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, ठीक है। एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन, यानी कि जो रिलेशन दे रखी है वो किस पे डिफाइंड है, एन पे। व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ आर, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। देखो स्टार्टिंग में मैं इसको आपको सीधा लिखता हूँ, जैसे देखो आपको दिखाता हूँ। मैं मेरे पास r है ये एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x और एक्स वाई बिलोंग्स टू n, n फोर नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू एक होगी तो y की दो आएगी। यानी कि मैं इसको रिलेशन को लिखता हूँ, देखो टेबलर फॉर्म में, x की वैल्यू एक तो y की दो, x की वैल्यू दो तो y की वैल्यू चार, x की वैल्यू तीन तो इसकी छः, x की चार तो इसकी क्या आई, आठ आई। यानी कि आपकी इस तरीके से यह क्या होगा, बढ़ती जाएगी। ये क्या आपकी है रिलेशन है ये इसकी, कि है ना इसी का डबल होगा, x की वैल्यू का क्या होगा, डबल होगा। अब यहाँ से आप डोमेन चेक कीजिए, डोमेन क्या होगी, डोमेन का मतलब पता क्या है, डोमेन का मतलब ये है कि आप पुट क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डोमेन क्या मतलब है, डोमेन का मतलब होता क्या है कि आप पुट क्या करेंगे। तो क्या पुट किया, नेचुरल नंबर पुट करेंगे, तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, नेचुरल नंबर, ठीक है। और जो इसकी कोडोमेन होगी वो भी क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी, क्योंकि आपको बता चुका हूँ। जैसे ये देखो ये सेट है ना, एन से एन की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर पे है। तो कोडोमेन भी क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। अब बात आती है रेंज की। देखो रेंज में हम क्या कहेंगे, रेंज में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पहले दो आया, फिर चार आया, फिर छः आया, यानी कि रेंज क्या हो रही है, रेंज आपकी इस तरीके से है। देखो मैं लिख दूँ जैसे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू एन और एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी सच दैट जो एक्स है ये कैसे बना, एक्स इज इक्वल टू टू एन, एन की वैल्यू एक तो एक्स दो आ गया, एन की वैल्यू दो तो चार आ गया, यानी कि क्या हो गया, इवन नंबर, दैट इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो जो इसकी रेंज होगी क्या होगी, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। और इसमें पूछा है इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, बिल्कुल। देखो एवरी एलिमेंट, नेचुरल नंबर फर्स्ट स्टार्ट है, एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, यस, क्या है लिखोगे आप, यस, द गिवन सिस्टम, द गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन, सिंस एवरी नेचुरल नंबर हैव ए यूनिक इमेज, हैज एवरी नेचुरल नंबर हैज यूनिक इमेज, यूनिक इमेज। ये आपको बता चुका हूँ इमेज क्या होती, पर इमेज क्या होती, इंट्रो अगर आपने नहीं पता तो इंट्रो देख लेना। तो ये क्या है, फंक्शन है। अब क्वेश्चन सेकंड पे आइए, क्वेश्चन सेकंड है जो हमारा, वो क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है हमारे पास में 1 2 3 4 1 2 3 4, एक सेट वाई दे रखा है 2 4 6 8
दस बारह, ठीक है, ये हमारे पास में दो सेट है। अब क्या देखा है, जैसे फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट रिलेशन क्या याद रखी है, टू की वन, थ्री की वन, फोर की टू। देखो टू की वन होगी, टू की वन, थ्री की वन, फोर की टू, ठीक है। और ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन आपकी कहाँ से है, ये रिलेशन आपकी मतलब सेट दे रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एज फंक्शन और नोट एक्स टू वाई, यानी कि एक्स से वाई की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो की एक है, तीन की एक है, मतलब दो की भी है, तीन की भी है, चार की, बट एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज आर इज नोट ए फंक्शन, आर इज नोट ए फंक्शन। क्यों नहीं फंक्शन जी, ये देखो, एज वन बिलोंग टू एक्स, वन बिलोंग टू एक्स, वन एक्स में है, डज नॉट हैव एनी इमेज, डज नॉट हैव एनी इमेज, डज नॉट हैव एनी इमेज। देखो दो की भी है, तीन की भी है, चार की, बट एक की इमेज नहीं है, तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है। जो सेकंड पार्ट है, देखो वन की इमेज टू, टू की फोर, और थ्री की सिक्स, फोर की एट। सिंस वी ऑब्जर्व इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, बिकॉज एज एफ वन इज इक्वल टू टू, एफ टू इज इक्वल टू फोर, एफ थ्री इज इक्वल टू सिक्स, एंड फोर एफ फोर इज इक्वल टू एट, यानी कि एक, दो, तीन, चार सभी एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज, ठीक है। हैंस इट इज ए फंक्शन, आप लिख देंगे यस इट इज फंक्शन, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, रिलेशन क्या दे रखी है, एक चार, दो चार, और चार आठ। आप लिख देंगे नो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। एस वन की भी है, टू की, थ्री, थ्री बिलोंग टू एक्स, डज नॉट हैव एनी इमेज, ठीक है, डज नॉट हैव एनी इमेज, हैव एनी इमेज। बट फंक्शन का रूल क्या होता है, जो एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे यहां से चल रहा है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये बताता हूं आपको मैं। जैसे देखो नेक्स्ट, एक की दो है, दो की दो है, ठीक है, तीन की आठ है, चार की आठ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां पे एक की भी दो है, दो की दो है, तीन की आठ है, चार की आठ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एक भी जुड़ रहा है, दो भी जुड़ रहा है, तीन भी जुड़ रहा है, चार भी जुड़ रहा है, और सभी किसके साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग के साथ। जैसे एक दो के साथ है, फिर दो दो के साथ है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दो एलिमेंट की सेम इमेज हो, बट ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि एक दो के साथ भी जुड़ रहा है, एक आठ के साथ भी जुड़ रहा है। तो यस इट इज ए फंक्शन। अब फोर्थ पे आइए, फोर्थ पे क्या है, वन की टू, टू की टू, थ्री की एट, फोर की एट, ये कर लिया हमने। फिफ्थ पे वन की टेन, टू की सिक्स, थ्री की सिक्स, फोर की टेन। आप बताइए क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है, ठीक है। कैसे, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे फिफ्थ पार्ट को, एफ वन इज इक्वल टू टेन, एफ टू इज इक्वल टू सिक्स, एफ थ्री इज इक्वल टू सिक्स, एफ फोर इज इक्वल टू टेन। देखो एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, एक की दस है, दो की छः है, तीन की छः है, ठीक है। जैसे मैं इसको ग्राफ द्वारा समझाता हूँ, एक दो तीन
चार, यहाँ पे भी संख्याएं हैं, जैसे मैंने 10, यहाँ पे कितनी है आपकी, 2 से स्टार्ट है, 2, 4, 6, जैसे 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, ठीक है। देखो एक किसके साथ जुड़ रहा है, 10 के साथ जुड़ रहा है, दो किसके साथ जुड़ रहा है, 6 के साथ, तीन किसके साथ जुड़ रहा है, 6 के साथ, चार किसके साथ जुड़ रहा है, 10 के साथ। यहाँ पे आप देखते हैं कि इसका जो x का प्रत्येक एलिमेंट है ना y के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कोई एलिमेंट डबल तो नहीं अटैच हो रहा है, जैसे एक किसी और के साथ अटैच नहीं हो रहा, दो किसी के साथ अटैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, यस इट इज़ ए फंक्शन। आपका आंसर क्या आ गया, यस इट इज़ ए फंक्शन। अब सिक्स पार्ट है, एक की आठ है, दो की आठ है, तीन की आठ है, चार की आठ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एक की भी आठ है, दो की भी आठ है, तीन की भी आठ, चार की भी आठ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसके साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये फंक्शन है। अब एक की दो, दो की चार, जो हमारा लास्ट है, दो की चार, दो की छः, तीन की आठ, चार की दस, देखो दो की चार भी दे रखी है, दो की छः भी दे रखी है, यहाँ पे क्या है, लास्ट जो हमारा पार्ट है, एफ वन इज इक्वल टू टू, एफ टू इज इक्वल टू फोर, एफ टू इज इक्वल टू सिक्स, आगे मैं लिखता नहीं, ठीक है, आप लिख लेना। जैसे देखो वन की टू है, टू की फोर है, और टू की सिक्स भी है, इट इज नॉट पॉसिबल इन ए फंक्शन, ठीक है, आर इज नॉट ए फंक्शन, R is not a function. As 2 has not unique image. 2 has a not a unique image. ठीक है, आप क्या कह देंगे, 2 है ना, which does not have a unique image. Which does not has a unique image. ऐसा element है जिसकी unique image नहीं है, इसलिए यह है function नहीं है। अब question third पे आइए, देखो solution. The given relation is given relation क्या है, y is equal to 2x plus 1, यानी कि given relation क्या है, y is equal to fx 2x minus 1, ठीक है, क्या है 2x minus 1, हमारी रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। तो देखो f वन, वन पुट कर दो, देखो x पुट वन पुट करेंगे तो टू इंटू वन माइनस वन, दो में से गया एक आ गया, टू पुट कर देंगे तो देखो टू इंटू टू माइनस वन, टू टू जा फोर, माइनस वन कितना आ गया, थ्री, f थ्री पुट कर दिया, देखो सॉरी टू नहीं पुट करना, ठीक है, टू नहीं फुट करना भाई, क्योंकि टू दिया नहीं, थ्री फुट करेंगे, तो कितना हो गया, टू इंटू थ्री माइनस वन, सिक्स, फाइव आ गया भाई। ऐसे ही एफ फाइव फुट कर दिया भाई, फाइव इंटू टू माइनस वन, पाँच दूनी दस, एक नौ आ गया भाई, ठीक है। अब एफ सात क्या आएगा भाई, देखो आपका एफ सात, दो गुना सात चौदह, माइनस एक तेरह आ गया भाई, तो लास्ट एलिमेंट आपका इसका तेरह ही है, ठीक है, अगर तेरह ना होता तो हम इसको नहीं लेते, ठीक है, तो आपका क्या आया जी, देखो यहाँ पे आपका जो f बनेगा वो क्या बनेगा, आपका f बना जैसे वन पे वन आया, थ्री पे फाइव आया, फाइव पे नाइन आया, और सेवन पे क्या आया, थर्टीन आया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फंक्शन की जो रिलेशन है, जो आपका f है फंक्शन वो होगा, ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म। अब जो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, फोर्थ में क्या है, क्वेश्चन फोर्थ, देखो हमारे को एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स चार एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, एक हमने एफ टू बताना है, ठीक है, एक हमने एफ माइनस वन बताना है, एफ ए एफ इंटू एफ वन, तो स्टार्टिंग में एफ टू पुट x इज इक्वल टू टू बोथ साइड, बोथ साइड x बराबर टू पुट कर दिया, देखिए f2 4 इंटू टू का स्क्वायर
प्लस टू इंटू टू माइनस थ्री। तो देखो टू टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर हो गया, ठीक है। फोर फोर जा कितना हो गया, सिक्सटीन हो गया, प्लस फोर माइनस थ्री, तो सिक्सटीन प्लस फोर कितना हो गया, ट्वेंटी थ्री, सेवनटीन आ गया जी, ठीक है। अब आप जैसे पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बोथ साइड, तो देखिए एफ माइनस वन पुट कर दिया तो चार माइनस एक का स्क्वायर, माइनस एक का स्क्वायर दो गुणा में माइनस एक, प्लस माइनस तीन, क्या है माइनस तीन। तो देखो माइनस एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा, तो चार यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का दो आएगा, यहाँ पे कितना माइनस का तीन, तो तीन और जो पांच हो गए, माइनस का एक उत्तर आ गया। अब एफ ए पूछा है, देखो एफ ए भी पूछा है, तो एफ ए सीधा पुट करेंगे, मैं सीधा पुट कर रहा हूँ, क्या बनेगा देखो, एफ ए चार ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक आपका क्या है देखो, एक आपका क्या है कि एफ वन इंटू एफ वन, यानी कि पहले एफ वन निकाल लो, निकाल लिया एफ वन, फिर उस एफ वन को फंक्शन में दोबारा पुट करो। तो जैसे एफ वन पुट करते हैं, देखो एफ वन निकालता हूँ मैं, सीधा निकालता हूँ, तो चार एक का स्क्वायर कितना होगा, एक प्लस दो गुणा एक दो आएगा, माइनस तीन, चार दो छः, छः में से तीन गया तो कितना बच गया, तीन। अभी मेरा कितना आ गया, एफ वन तीन आ गया। अब इस तीन को ना दोबारा फंक्शन में पुट करूंगा, इसने लिखा है एफ वन इंटू एफ एक्स, तो देखो आप लिखोगे ऐसे एफ वन, तो वन पुट करोगे तो देखो एफ वन कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, एफ वन का मतलब कितना है, थ्री, तो थ्री पुट करोगे, फोर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री माइनस थ्री, तीन तिया नौ, ठीक है, नौ चौका छत्तीस, दो तिया छः, और ये माइनस थ्री, ठीक है, छत्तीस और छः कितने हो गए, बयालीस, बयालीस में से तीन गए कितने बचे, बयालीस में से तीन गए तो कितने बचे, उनतालीस, यानी 39, ये हमारा क्या आया, आंसर आया। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।